देखिए, लोकशाही में, जनतंत्र में आलोचना का अपना स्थान है, उस आलोचना का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब आलोचनाएं तथ्यों के आधार पर नहीं रहती, तब जनमत का वो रूप नहीं लेती। जो आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महाराष्ट्र में आलोचना का काम कर रही है, उसको तथ्यों का आधार नहीं है। सिर्फ आलोचना करना, इसके लिए आलोचना करना, ये उनका काम है। इसके कारण जनता उससे प्रभावित नहीं हो रही है। पहले तो इस सरकार का जन्म, इस पर आलोचना की, फिर शपथ विधि दोनों का हुआ उसके ऊपर आलोचना की, फिर मंत्रिमंडल बनाने के विषय में आलोचना की, फिर मंत्रिमंडल बना इसके ऊपर आलोचना कर रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट का क्या इसके ऊपर आलोचना कर रहे हैं। इतना अधीर विपक्ष क्यों हो रहा है? जनहित का एक भी काम शिंदे साहब और फडणवीस साहब सत्ता में बैठे तब से रुका नहीं। आलोचना तो उसके ऊपर भी हुई कि आप बैठे तब से निर्णय ले रहे हैं, और जो पहले के सरकार के गलत निर्णय थे, फैसले थे, उसको बदलने का काम भी किया, तो हमारे फैसले बदल रहे हो, इसके ऊपर भी आलोचना की जा रही है। मुझे लगता है इस प्रकार की बेतुकी आलोचना का जनतंत्र में कोई स्थान नहीं है। एखादा माणूस, एखादी संघटना, वादा एखादा पक्षा बलवान होत जातो, त्यावेळेला बाकीच्यांना स्वाभाविकता स्पेस कमी होत जातो, ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे। भारतीय जनता पक्षाने कुठलाही पक्ष संपवणे, फोडणे, उखाड दिया म्हणणे हे धंदे केलेले नाही। उखाड दिया म्हणणारे कोण? आज जेलमध्ये गेलेत। संपवण्याची भूमिका म्हणणारे कोण? त्यांची वाताहत झाली आहे। मोदीजींना बदनाम करणाऱ्याचे प्रयत्न करणारे कोण? ते वेगवेगळ्या एजन्सीसमोर आणि कोर्टासमोर पायझडा घालत आहेत। भारतीय जनता पक्षाने हे सगळे आरोप सहन केले, पण कधीच अशा पद्धतीची भूमिका त्यांनी मांडली नाही। भारतीय जनता पक्षाने असा विचारही कधी केला नाही, इंडिया म्हणजे आम्ही आणि आम्ही म्हणजे इंडिया हे बोलणाऱ्यांनी आता आम्हाला शानपणा शिकवू नये। बच्चू कडू का पक्ष ये एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के सहकारी पक्ष है। अपनी बात वो शिंदे साहब से कह सकते हैं, और शिंदे साहब उनके जो बातें हैं उसका पूरा जवाब और सफलतापूर्वक उनके बातों को निर्णय देना ये वो कर सकते हैं। सुशील मोदी जी का बयान सही है। बीजेपी ने कभी भी अपने सहयोगी दल का अहित न हो यही देखा है, और उस प्रकार से हम चले भी हैं। बात बिहार की हो या महाराष्ट्र की हो, हमने तो राज्य, उसके पहले देश और उसके पहले हर भारतवासी, इसके हित में काम करने की भूमिका ली है, और उस विषय में सहयोगी दल को लेकर चले हैं। सहयोगी दल अगर हमारे ऊपर आग दिखाने का प्रयास करेगा तो जनता उनको अपनी जगह दिखाती है, ये उनके कहने का मतलब है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।